अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चलिए मैं आज बनाने जा रही हूँ काली मिर्ची गोश्त। आप लोग देख सकते हैं ये गोश्त को धो के कट करके साफ़ करके रख ली हूँ। ये चार डली प्याज के हैं, इसको भी धो के कट करके साफ़ करके रख ली हूँ। ये तेल है, ये काली मिर्ची है, ये हल्दी है, ये नमक है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये खुटकी मिरी, 10-12 हरी मिर्ची। मैं ये काली मिर्ची गोश्त का सालन बना रही हूँ। ये सर्दियों में बनाए तो बहुत अच्छा रहे। अगर किसी को सर्दी हो गई तो ये काली मिर्ची गोश्त का सालन बना के खा सकते हैं। मैं इसमें लाल मिर्ची बिल्कुल नहीं मिलाती हूँ, इसलिए कि मैं काली मिर्ची का और हरी मिर्ची का ही सालन बनाती हूँ, ताकि ये खाए तो मुँह को चटपटा अच्छा लगेगा, ज़बान भी फीकी है तो अच्छी बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं, इसको मैं अच्छी तरीके से मिला लूँगी। माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा गोश्त का और प्याज का पानी सूखे के बाद आप लोगों को पतलाऊँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे गोश्त का पानी सूख गया है, प्याज भी अच्छी भुनी गई है। आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं ये गोश्त गलने के लिए थोड़ा पानी डालूँगी। मैं ये चार सीटी लगाऊँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे चार सीटी हो गए हैं। अब मैं अच्छी तरीके से भून ले रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं मेरा गोश्त भी गल चुका है। अब मैं थोड़ा सा खुटी मिर्च डाल रही हूँ दम पे। आप लोग देख सकते हैं मेरा ये सालन बन चुका है। मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं, ये काली मिर्ची गोश्त का सालन है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मेरे सालन की। आप लोग भी एक बार मेरी तरीके से बना के देखिए, यम्मी यम्मी बनेगा। मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो में मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ। अल्लाह हाफिज़।